आज हम कबीर दास जी की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। कबीर दास जी की जीवनी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कबीर दास जी का जन्म कब हुआ। तो कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ, 1398 ईस्वी में हुआ। अब हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, जिसको हम देहावसान भी कहते हैं, वो कब हुआ था। तो वो था सन 1518 ईस्वी, इसमें हुआ 1518 ईस्वी में हुआ, यानी 120 साल जीवित रहे, 120 वर्ष जीवित रहे। अब हम देखते हैं कि इनका काल कौन सा था, कौन से काल के कवि थे ये। तो ये थे भक्ति काल के कवि। ये कौन से काल के कवि थे, तो वह है भक्ति काल। और इनकी कौन सी शाखा थी, कौन सी शाखा के कवि कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं ज्ञानश्री शाखा। कौन सी शाखा, ज्ञानश्री शाखा के कवि कहलाते हैं। अब देखते हैं हम कि इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, समाज सुधारक। इन्होंने समाज के कल्याण के लिए भी बहुत काम किए थे, इसलिए इन्हें समाज सुधारक कहा जाता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कबीरदास जी को या कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। अभी किसने कहा था, तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा। और एक और बात जो महत्वपूर्ण है, वो है कि इनके शिष्य का नाम क्या था, जिसने उनसे शिक्षा प्राप्त करी। कबीरदास से जिसने शिक्षा प्राप्त करी उसका नाम था धर्मदास। क्या नाम था, धर्मदास। कबीरदास जी के शिष्य का नाम था धर्मदास। अब एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि कबीरदास की जो रचनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है बीजक। कबीरदास की रचनाओं को क्या कहा जाता है, बीजक। और ये बीजक तीन भाग में बटी हुई है, इसको तीन भाग में बटा है। वो है साखी, पहला भाग कौन सा, साखी, दूसरा शब्द, तीसरा रमिनी में बटा है, रमिनी में। तो बीजक को तीन भागों में बटा है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, वो है कि कबीरदास ने किन चीज़ों का विरोध किया, कबीर ने किन चीज़ों का विरोध किया। तो एक है जिसका कबीर ने विरोध किया, वो है पहले छुआछूत। कबीरदास ने छुआछूत का विरोध किया और धार्मिक आडंबर का भी विरोध कबीरदास ने किया। और ऊंच नीच का भी कबीरदास ने विरोध किया, एवं बहुदेववाद का भी कबीरदास ने विरोध किया, क्योंकि कबीर एक ही ईश्वर एक ही देव में मानते थे, तो उन्होंने बहुदेववाद का भी विरोध किया। इन सब विरोधों के कारण ही इन्हें धार्मिक सुधारक या समाज सुधारक कहा जाता है। अब हम वापस कविजन करते हैं, क्या कबीरदास के बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा जन्म के बारे में, तो वो था सन 1398 में, मृत्यु के बारे में पढ़ा, तो सन 1528 में 120 वर्ष तक जीवित रहे। काल का भक्ति काल, शाखा थी ज्ञानश्री शाखा। और आगे हमने पढ़ा कि समाज सुधारक कहा जाता है, और कबीर को वाणी का डायरेक्टर भी कहा जाता है। इसने कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, इनके शिष्य का नाम है धर्मदास। फिर इनकी रचनाओं को बीजक कहा जाता है, और बीजक को तीन भाग में बड़ा, साखी, शब्द और रमिनी। और फिर हमने पढ़ा इनके विरोध के बारे में, तो इन्होंने सबसे पहले छुआछूत का विरोध किया, धार्मिक आडंबर का विरोध किया, ऊंच नीच का विरोध किया, एवं बहुदेववाद का विरोध किया।